बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश से कई खबरें आप तक आती होंगी जहां कई जातियों के लोग आंदोलन करते हैं। इतना ही नहीं, कई ऐसे लोग हैं जो कि खुद को पिछड़े जाति का बताते हैं और आरक्षण की मांग करते हैं। ऐसे में क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी दौर था जब बिहार के पासवान, कहार, यादव और कुर्मी समेत कई पिछड़ी जातियों के लोगों ने खुद को पिछड़ा मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपनी जाति का सम्मेलन बुलाकर बायकायदा प्रस्ताव पारित किया था कि वे पिछड़े नहीं बल्कि सवर्ण हैं। ज़्यादातर पिछड़ी जाति के लोगों ने जनेऊ पहनना शुरू कर दिया था। लोगों ने खुद को सवर्ण घोषित कराने के लिए मांस मदिरा का सेवन तक छोड़ दिया था। ये किस्सा 91 साल पुराना है। 1931 में देश में जब जातीय जनगणना हुई थी तो बिहार में पिछड़ी जाति के लोगों ने खुद को सवर्ण बताने की होड़ मचा दी थी। आज बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने उस दौर की पुरानी कहानी सुनाई है। सुनिए क्या हुआ था 91 साल पहले। इसने जिक्र कर दिया कि बहुत सारी बातें, बहुत बातों की जानकारी बहुत लोगों को नहीं रहती है या नहीं होगी। अरे कोई ब्राह्मण समाज के खिलाफ की कोई बात नहीं है, हर समय की स्थिति रहती है। एक बात का मैं और जिक्र आपको करना चाहूंगा। 1931 में जब जातीय गणना हो रही थी, आपको मालूम है कि इस देश में अंतिम जातीय गणना 1931 में हुई, उसके बाद देश में कोई जातीय गणना नहीं हुई। तो जब जातीय गणना होने लगी उसके पहले भी 1911 में, 21 में, 31 में, तो जो आज की पिछड़ी जातियां हैं उन पिछड़ी जातियों ने अपने सम्मेलन के प्रस्ताव पारित किया और कहा कि हम भी क्षत्रिय हैं। संजय पासवान यहां बैठे हैं, जो पासवान समाज के लोग हैं उन्होंने घोषणा की कि हम भी, कौन लोग क्षत्रिय बोलते हैं, हम गहलोत वंशीय क्षत्रिय हैं, क्योंकि ब्राह्मण तो हर व्यक्ति बन नहीं सकता था, क्षत्रिय बन सकता था। कुर्मी समाज के लोगों ने सम्मेलन किया नालंदा में, प्रस्ताव पारित किया और कहा कि हम कूर्म वंशीय क्षत्रिय हैं। यादवों ने कहा कि हम भी क्षत्रिय हैं और हम तो जो यदुवंशीय क्षत्रिय हैं, और कहा कि ये जो क्षत्रिय अपने आप को कहते हैं, अरे हम तो कृष्ण के वंशज हैं, हम तो तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि कृष्ण से ज्यादा श्रेष्ठ कौन हो सकता है। तो एक वो समय था जब इस देश की अधिकांश पिछड़ी जातियों ने अपने आप को प्रस्ताव पारित कर, लोगों ने मांस खाना बंद कर दिया, क्योंकि ब्राह्मण समाज या सवर्ण समाज मांस ही खाता, मदिरा पान बंद कर दिया, जनेऊ धारण शुरू कर दिया, ताकि हमारी जनगणना में। एक बात और बता दें आपको कि उस समय जब जनगणना होती थी, कोई लोग जो अध्ययन करना चाहेंगे तो उसमें दो कॉलम था, जिन्होंने कहा कि हम गहलोत वंशी क्षत्रिय हैं तो उसकी भी संख्या लिखी हुई बगल में, और जिन्होंने कहा कि हम पासवान है या जो भी हो गया कुर्म वंशी क्षत्रिय, दोनों की संख्या बगल अगल में लिखी हुई है, जिन्होंने क्षत्रिय कहा, जिन्होंने ये कहा। जातियां तो वो भी अपने आप को फॉरवर्ड घोषित करने में लगी थी, प्रयास कर रही थी ताकि समाज में उन्हें प्रतिष्ठा मिल सके, क्योंकि उस युग में, उस जमाने में जो ऊंची जाति के लोग थे उनको समाज में प्रतिष्ठा थी, बाकी निम्न जातियों को प्रतिष्ठा नहीं थी। इसलिए अगर उच्च वर्ग में शामिल हो जाए, और ये जनगणना एक माध्यम है, अगर ये बात अलग है कि जनगणना में उनकी जाति सवर्ण में शामिल किए जाने के बावजूद समाज में उनको प्रतिष्ठा नहीं मिली, लेकिन ये प्रयास हुआ। एक समय था कि पिछड़ी जातियां अपने आप को फॉरवर्ड बनने का प्रयास कर रही थी, और एक ऐसा समय आया 80 साल के बाद कि जो फॉरवर्ड जातियां हैं वो भी करें कि हमको बैकवर्ड घोषित कर दीजिए, ताकि हमको भी आरक्षण का लाभ मिल सके। तो इसलिए मैंने केवल कहा कि ये समय समय की बात है। इसलिए जब किसी व्यक्ति का आकलन कीजिए तो आज के संदर्भ में आकलन मत कीजिए, नहीं तो गलत आकलन हो जाएगा। उस युग में जो व्यक्ति पैदा, उस समय की क्या परिस्थितियां थी, उस समय का क्या माहौल था, उस समय के समाज के मानदंड क्या थे, उस माहौल में, उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप आकलन करेंगे तो सही आकलन कर पाएंगे। तो कोई कहेगा देखिए ये तो ब्राह्मणों के विरोधी हैं, तो ब्राह्मण के विरोध में बोल रहे हैं। इसलिए मित्रों, हमारे पुरखों ने, हमारे जो पूर्वज, हम लोगों ने किस तरह का संघर्ष किया,
और किस तरह से उन्होंने मुकाम को हासिल किया उसका एक उदाहरण स्वामी सहजानंद सरस्वती है। उनकी कुछ और पुस्तकें जो उनकी प्रकाशित हुई, झूठा भय मिथ्या अभिमान, कि भय दिखाकर मिथ्या अभिमान मैं बड़ा हूं, ये कर्म कांड के इस स्वामी सहजानंद सरस्वती के अलावा दयानंद सरस्वती से लेकर जितने लोग हुए उस जमाने, भगवान बुद्ध क्या थे, कर्म कांड के विरोध में और उन्होंने संघर्ष किया, विद्रोह किया। भगवान महावीर क्या थे, उस समय की जो परिस्थितियां थी उसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया, तब महावीर पैदा हुए।